एक के बाद एक लगातार रूसी हमलों को झेल रहे यूक्रेन को जब सैन्य हथियारों से लेकर सैनिक और सैनिकों की ट्रेनिंग जैसे मदद की सख्त जरूरत है, ऐसे समय में एक के बाद एक कई नेटो देशों ने ऐसे बयान दिए जिससे स्पष्ट होता है कि वो यूक्रेन की मदद से पीछे हटने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे में यदि कोई देश आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद की बात करे तो स्वाभाविक है कि यूक्रेन का मनोबल जरूर बढ़ेगा। दरअसल लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनिटे ने कहा कि वो एक ट्रेनिंग मिशन के लिए यूक्रेन की धरती पर ट्रेनिंग देने वाले सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लिथुआनिया सिर्फ यूक्रेन के अनुरोध का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फरवरी में विचार रखा था कि युद्ध के मैदान में रूस को जीत से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए नेटो सैनिकों को भी यूक्रेन भेजने की बात कही थी, हालांकि कई नेटो देशों ने उनके विचार से असहमति जताई थी। अब लिथुआनिया सरकार ने भी कुछ इस लहजे में कहा है कि यूक्रेन की सहायता के लिए कोई भी रेड लाइन यानी किंतु परंतु या शर्त नहीं होनी चाहिए। एक अखबार से बात करते हुए सिमोनिटे ने कहा कि उनके पास यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने की संसदीय अनुमति है, लेकिन अभी उन्हें कीव से कोई अनुरोध नहीं मिला है। लिथुआनिया उन पश्चिमी देशों में से है जो नियमित रूप से बयानबाजी करते रहे हैं। पिछले महीने इसके राजदूतों में से एक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहा गया था कि रूस का क्रीमियन ब्रिज जल्द ही नष्ट हो जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ रूसी सेना ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक सरप्राइज ड्रिल की घोषणा की है। रूस ने कहा है कि यह मैक्रो और ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन सहित पश्चिमी अधिकारियों की धमकी का जवाब था। दरअसल ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड ने पिछले हफ्ते मीडिया को बताया था कि यूक्रेन को अधिकार है कि वो ब्रिटेन द्वारा दान किए गए हथियारों को रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि अगर पश्चिमी देश वास्तव में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं तो उन सभी को मिलकर वास्तव में एक साथ आना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सभी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापते रहेंगे। जैसे कि बीते कई महीनों से एक के बाद एक कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का दावा करते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को हकीकत में कितनी मदद मिली है ये सबके सामने है।